दोस्तों आज हम बनाएंगे पास्ता यमन गैस ओवन की। और ये मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है सरसों का। यहाँ पर मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट, दो हरी मिर्ची, दो बड़ी बड़ी प्याज है इस तरह से चॉप कर लिया है, ये दो मीडियम साइज के टमाटर हैं और ये मटर है, 150 ग्राम पास्ता है। हमारा ऑयल पक चुका है, इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, कटी हुई हरी मिर्ची, इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हम यहाँ पर प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, यहाँ पर हमने टमाटर डाले, मटर, रेड मिर्ची इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डाल देंगे हम पास्ता, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 कप पानी ऐड करते हैं। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 1 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए हमारे पास्ता बनकर कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं, ये देखिए। अब इसमें हम पास्ता मसाला ऐड करेंगे, ये हरा धनिया मैंने काटने से पहले ही धो लिया था धनिया। अब इसको हम 2 मिनट के लिए गैस पर रखेंगे। दो मिनट हो गए गैस ऑफ कर दिया हमने, तो देखिए हमारा पास्ता कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक गर्मा गर्म पास्ता खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें।